आपसे। दूसरी चीज ये कि एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें क्लॉटिंग का जिक्र किया जा रहा है कि जिनको कोविड हुआ उनमें जो उनकी धमनियां हैं उनमें क्लॉटिंग हो जाती है, कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या हर एक व्यक्ति को जिसको कोविड हुआ था उसको अपने दिल की पूरी कंप्लीट जांच कराना जरूरी हो चुका है इस रिपोर्ट के बाद, आवश्यक है? आपकी क्या राय है? देखिए ये तो बिल्कुल सत्य है कि कोविड के बाद हार्ट की बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और जो कोविड का जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से वो हार्ट अटैक कॉज करता है वो इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से हार्ट की नाड़ियों के अंदर फैट जम जाता है, उसके बाद फैट के रप्चर होने की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, क्लॉट बन जाते हैं। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा टेस्ट जो रहता है कि एक तो है कि हम अपना समय समय पे फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करा के देखें, दूसरा अपने नाड़ियों को चेक करने के लिए जो ओपीडी बेसिस पे टेस्ट अवेलेबल है ट्रेडमिल टेस्ट वो करके देखें जिसमें हम मशीन पे दौड़ाते हैं, और किसी को अगर वली साहब ने जैसे बताया कि बहुत ही ज्यादा सिम्टम्स है जैसे कि चलने फिरने में सांस फूलता है, छाती में भारीपन हो रहा है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा रह रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई हार्ट का सिम्टम्स है, और चाहे तो वो अपनी एंजियोग्राफी, आजकल दो प्रकार की एंजियोग्राफी अवेलेबल है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और एक सामान्य एंजियोग्राफी जो हम कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं वो करवा के देख सकता है, जिससे अपने हार्ट के बारे में पूरा लक्षण पता चल जाए, क्योंकि इसमें समय गंवाने का कोई समय वो नहीं है, समय रहते ही काम करना पड़ता है, नहीं तो हम अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। यहाँ पर डॉक्टर राहुल, आपने जिसको बहुत आसान भाषा में लोगों को समझाया, लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में मिथ यही रहता है कि हमें तो डायबिटीज है नहीं, हमें हाइपरटेंशन है नहीं, और इससे पहले कभी कोई लक्षण रहा भी नहीं, अचानक से साइलेंट अटैकर की तरह ये कोविड की वजह से जो आपके दिल पर असर पड़ा है वो आपकी जान ले ले रहा है, लोग ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते कोलैप्स कर जाते हैं, हमने वीडियोज देखे गरबा में किस तरीके से नाचते नाचते लोगों को दिल का दौरा पड़ा और फौरन मौत हो गई, चुटकियों में मौत, शादियों में बारातों में हमने देखा इस तरह से वीडियोस बहुत सारे हैं, जब तक लोगों को समझ पे आया वो इतना सडन था कि जान तक नहीं बचाई जा सकी। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? मेरा यही एक प्रश्न था कि क्या हर व्यक्ति जो कोविड से संक्रमित हुआ था इस वक्त एहतियातन उसे अपनी दिल की जांच करा लेनी चाहिए, उसका हार्ट कैसा फंक्शन कर रहा है, क्या ये टेस्ट आप रिकमेंड करते हैं? देखिए मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि हमें एहतियातन जो समय रहते आजकल जो हम भी देख रहे हैं हमारी जनरल प्रैक्टिस के अंदर भी 25-25 साल 21 साल के जवान लड़के हमारे पास हार्ट अटैक के साथ आते हैं जिनको कोई पुरानी रोग नहीं था, कोई पुरानी डायबिटीज कुछ नहीं है, पर हम सबको यही करते हैं कि जो मूलभूत टेस्ट हैं जैसे कि ECG, ECO, TMT जिससे हमें समय रहते हार्ट की बीमारी के बारे में पता चलता है, अगर हम पहले ही करा के रखें तो हम जैसे गरबा जैसी स्थिति जहाँ पे हमें अनड्यू एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए थी, अनड्यू प्रेशर नहीं देना चाहिए था अपने शरीर पे, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, और अगर हमें समय रहते हमें बीमारी के बारे में पता चल जाएगा तो हम उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो ये कहना ये कि TMT करना नहीं है, पर TMT का मतलब है कि हमारे जो हॉस्पिटल बेस्ड TMT होता है जिसमें हम ECG भी कनेक्ट करते हैं, जिसमें हम अपनी बीमारियों को जल्द से जल्द पकड़ लेते हैं, वो कराना आवश्यक है, क्योंकि और कोई तरीका बचा नहीं है, नहीं तो फिर सब व्यक्तियों को एंजियोग्राफी के लिए हमें सजेस्ट करना पड़ता है कि भैया एंजियोग्राफी कराइए, पर वो सबके लिए वैलिड नहीं है, हमें सबसे पहले ओपीडी बेसिस पे जो टेस्ट अवेलेबल है जैसे कि ECG, ECO, TMT वही कराने चाहिए। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि खाली हार्ट की जो अगर सडन डेथ हुई है वो हार्ट अटैक ही नहीं होता है, क्योंकि कोविड का भी हमें पूरी तरह से ये नहीं पता कि क्या क्या असर हो चुका है, केवल हार्ट अटैक क्लॉट बनना ही एक रीजन नहीं हो सकता, कुछ अरिदमिया भी होते हैं जिसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है, तो हमें पूरा संपूर्ण टेस्ट करवाने की जरूरत है जैसे कि ECG, ECO जिसमें अरिदमियों के बारे में पता चलता है, जिसमें हमें कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में पता चलता है जिसके कारण अनड्यू एक्सरसाइज करना अवॉइड करना चाहिए जिससे सडन डेथ ना हो। तो खाली एक मूलभूत ये जरूरी समझने की जरूरत है, खाली हार्ट अटैक इकलौती हार्ट की बीमारी नहीं होती है, अन्य बीमारी भी होती है, और अगर हम उसके बारे में समय रहते जान लें तो हम उसके बारे में हम पेशेंट को सही राय दे सकते हैं और हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं।